पीएम मोदी ने मथुरा से पशु आरोग्य के लिए लॉन्च की योजना। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें बड़े स्तर पर टीकाकरण शुरू करने की योजना है। साथ ही पीएम ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए लोगों से अपील की। पटरियों पर दौड़ती ट्रेन अचानक थम गई, वजह थी चंद्रयान 2 क्यों फेल हुआ। मध्य प्रदेश के सागर में चंद्रयान को लेकर एक शख्स ट्रेन पर चढ़कर बैठ गया और पूछने लगा कि चंद्रयान क्यों फेल हुआ है। मीका सिंह के बाद अब बॉलीवुड एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ एक विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। दिलजीत दोसांझ अमेरिका में एक प्रोग्राम करने वाले हैं। इस प्रोग्राम पर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने आपत्ति जताई है। साथ ही फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने विदेश मंत्रालय को एक लेटर लिखा है, जिसमें दिलजीत दोसांझ का प्रोग्राम कैंसिल करने की मांग की गई है। भारतीय थलसेना और वायुसेना का युद्ध अभ्यास होने जा रहा है। ये युद्ध अभ्यास चीन बॉर्डर पर पहली बार होगा, जिसमें थलसेना के 5,000 जवान हिस्सा लेंगे। युद्ध अभ्यास अक्टूबर में किया जाएगा, जिसमें भारतीय थलसेना हवाई हमलों का सामना करेगी। एप्पल यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। एप्पल ने 10 सितंबर को अपने स्पेशल इवेंट में नए 3 आईफोन लॉन्च किए हैं। एप्पल आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो, आईफोन 11 प्रो मैक्स। साथ ही भारतीय कीमत का भी ऐलान हो चुका है। वहीं भारत में 13 सितंबर से प्री बुकिंग चालू होगी। 27 सितंबर से आप इसे खरीद पाएंगे। नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।